ये सिर्फ मतलब उन लोग को आदत करा गया है कि भाई कोई भी खड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को तो इलेक्शन में खाने को पीने का ये सब चाहिए। वो लोग कैंडिडेट्स को नहीं देखते, मुद्दा को नहीं देखते। तो गांव लेवल में तो सरपंच लेवल से अगर वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा तो जिला परिषद में वो जीत नहीं पाएगा। तो पॉलिटिकल बैकअप रहता है, पैसा भी वहीं से आता है। और मैं तो ठहरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो जितना अपना मतलब मुद्दा था आदमी लोग को समझाया। ऐसे बात नहीं कि मैं हार माना हूँ, हार नहीं माना हूँ, मेरे को उम्मीद नहीं छोड़ा हूँ। पब्लिक का इतना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अवेयरनेस का और जो सोच उनका विचारधारा उनको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगे। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, दे डोंट वांट टू सेंड अ करेस्पोंडेंट, दे डोंट वांट टू हैव अ रिपोर्टर, दे डोंट वांट टू हैव अ मीडिया टीम ओवर हियर, ब्रांच ऑफिस और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ मे बी सम वे दे थिंक दैट दिस एरिया इज स्मॉलर एंड देन इट्स अवे फ्रॉम इंडिया, सर्टेन इश्यूज आर ओनली फॉर देम नॉट फॉर द होल ऑफ इंडिया। और आपको उस समय कितना मुआवजा मिला था? 25,000 ऊपर मिले थे, 3,100 ऐसे। तो फिर आपने ये घर बनाया? हाँ। तो उससे यही बन पाया और कुछ पक्का घर नहीं बनाया? नहीं बनाया पक्का। अब और इसमें हमने 3 बकरी बेची जब घर बना, कहाँ से बन जाएगा घर भी बाबूजी। अभी सब लोग आए थे, हमने बोला था हाँ तुमको वो उसमें ट्यूबवेल नहा देंगे, ट्यूबवेल में नहा देंगे, कर देंगे माथा, तुम घबराओ मत घबराओ मत, कोई भी नहीं आए। आपस में मिलके रहना, ये देशभक्ति है, थिंक गुड फॉर योर कंट्री। और ये कौन डिसाइड करेगा कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही? मैं खुद और दूसरा कोई नहीं डिसाइड। स्टूडेंट जो कि वोट कर सकता है, चुनाव में लड़ सकता है, क्या राजनीति में वो बात नहीं कर सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकता है? अभी जितने पॉलिटिशियन हैं, पहले तो स्टूडेंट ही थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से वो थे जुड़े। शहर जिंदा है वो तो सब गांव के पीछे जिंदा है, किसानों के पीछे जिंदा है। जमीन के बदले जमीन मांगने वाले ये नगद मुआवजा ले रहे हैं, ये इनको शिक्षित मानते हो तुम? क्या खाएंगे इनके बाल बच्चे? पैसे कितना समय तक पूरेगा आदमी के पास? ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿಬಿಡಪ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯಿತು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ವುಮೆನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾರನ್ನು ಜೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೇಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೌ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹರ್ಡ್ within the larger movement. Unfortunately, some people aren't very focused on intersectionality, but myself, I am, so that's where I would raise my voice and be like, you know, Black Lives Matter or women in construction matter. Abhishek Bangla se bolta hai, nimo kai hai, doi dekhele bhoi kai. Matlab? Chun khai ab muh purai, chun kha ke muh jala jata hai. अभी दूध देखने भी एक सुन के दौर लग ऐसा हुआ है, घोटना एक दो तीन चार तीव्र हो गया। दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया या जो दूसरे पेपर है उसके फ्रंट पेपर या दूसरे पेपर में आता नहीं है, ठीक है, और न्यूज़ आती है तो एकदम साइड में आती है और वो भी छोटी न्यूज़ आती है। अभी समझो एक एग्जाम्पल देता हूँ कि रोहित के बारे में जो ऑल यानी आपके टाटा सोशल साइंस है सब कॉलेज के विद्यार्थियों ने मोर्चा निकाला था, तो वो मोर्चा का कवरेज ऐसा उन्होंने डाला कि इसके ऊपर वाहतूक की कुंडी हो गई। मुंबई में हर दिन हर पार्टी का मोर्चा निकला, लेकिन वो ये न्यूज़ दूसरे न्यूज़ पेपर में वो न्यूज़ नहीं आती, लेकिन ये दलित लोगों ने मोर्चा निकाला तो वो न्यूज़ कोई फर्स्ट पेपर में आता है कि वाहतूक कुंडी हो गई यानी ट्रैफिक जाम हो गई। अखबार का तो असर तो होता है क्योंकि आप टीवी मोबाइल भी है तो आप उसमें जाएंगे खोलेंगे तो नहीं, और मैं टीवी में क्या आधा दिया अधूरा अधूरा सा हो गया तो विज्ञापन आप क्यों डाल, आपको एडवर्टाइज के लिए पैसा मिल रहा है तो कितना कुछ लिमिट होना चाहिए कि नहीं? वो लिमिट है भाई, इसमें लिमिट किधर है आप तो बताइए। साल से अभी कोई आके कोई अध्यक्ष आके ऐसा देखा नहीं, ऐसा कारण है कि तुम्हारा
चार हो रहा क्या क्या हो रहा, खाली देते बोलते थप्पा लगा बोलते, थप्पा लगाने के बाद बढ़ के चले जाते, मुड़ के नहीं देखते पीछे। मिट्टी हम लोगों ने कांटे पे ढोके के साथ सब बसाया है। ये हमारे इतने बड़े बच्चे बच्चे जो है 15 साल कामयाब हो गया तो बोले हमारी जगह ना, मीडिया आ रही ना कोई नेता सुन रहा, इतनी पब्लिक बेकरार है कि अपना आवाज की दुनिया तक पहुंचाने की, हमारा आवाज जो है सब तक पहुंचा।